होगी ये भागीरथी है और ये वाली अलकनंदा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग्स। तो अब हम आए देवप्रयाग, जहाँ पर ये दो नदी मिलती हैं, एक केदारनाथ से आ रही है जो एक बद्रीनाथ से आ रही है। आइए आपको उसका व्यू दिखाते हैं। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये हमारी अलकनंदा माता है जो कि बद्रीनाथ से आ रही है, और ये जो ब्लू पानी देख रहे हैं यह हमारी भागीरथी नदी है जो कि केदारनाथ से आ रही है। तो यहाँ देवप्रयाग में संगम होता है दो नदियों का, जो कि हमारी गंगा माता मिलती है। और हम निकल जाते हैं वहाँ से थोड़ा सा आगे, जहाँ पे संगम घाट पे जाने का रास्ता है, क्योंकि उसके ठीक ऊपर ही हमारे एक फ्रेंड का होटल है जहाँ पे हम आज रात को स्टे करेंगे। हम आगे आ चुके हैं, ये एक भाई का अपने जो मिलने वाले भाई हैं, अपने फरीदाबाद में रहते हैं, उनका होटल आ चुका है। होटल भी काफ़ी अच्छा ही है। आइए, हमने गाड़ी पार्क कर दी, ये भाई की गाड़ी है, आपको नीचे दिखाते हैं, अपना पर्सनल रूम ले रखा भाई ने। तो आइए दिखाते हैं आपको अपना रूम, ये देखिए इधर जाके रूम तो काफ़ी और भी है, रूम मेरा ना ना वो बाहर से खींच रहे थे, मैं अंदर से इसको भी रखा है। ये बेटा चूतिया देखो भोसड़ी का। तो भाई ये देखिए, ये हम मात्र से सामने दिख रहा ना होटल सा, ये वहां से मात्र 100 मीटर भी नहीं चले हैं, और ये संगम हमें यहाँ से दिख गई है, जो कि जो टीन है यहाँ से, टीन है जो यहाँ से सीढ़ी से उतरेंगे, 200 सीढ़ी कुछ है, वहाँ सीधा संगम पहुँचेंगे। बाकी आगे आपको दिखाया है ये, और ये भाई कोल्ड ड्रिंक पीते पीते जा रहा, कह रहा गर्मी बहुत है। चलते हैं अपना आराम से, टहल टहल के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको तो देखिए गाइस, ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ आ रही हैं, ये घरों के बीच में से जा रही हैं, जैसे छोटी छोटी गली पतली गलियाँ होती हैं ना, उस टाइप में छोटी छोटी ये सीढ़ी हैं। देखिए सब लोगों के घर में से बीच में जा रही है नदी, हमारी थोड़ी सी दूरी है, ज़्यादा ज़्यादा फासला नहीं है। आपको दिखाता हूँ, और ये यहाँ पे भागवत हो रही है, मंदिर है पुराना। आगे देखिए सबके घर बन रखे हैं। आओ चलते हैं आगे, वह यहाँ से हम उतर उतर के आ रहे हैं, अभी तो हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि हम उतर रहे हैं, जब चढ़ेंगे ना सीढ़ियाँ जब पता लगेगी, ऐसी हम तैसी होगी पूरी पूरी संगम घाट देवप्रयाग। बाकी अभी बस 20-30 सीढ़ी रह रही है, नीचे देखिए हमारी भागीरथी, देखिए भाव काफ़ी ज़्यादा है पानी का, भाव देखो आप कितना भाव, देखिए आपको यहीं दिख जाएगी ये संगम नदी, जहाँ पे दो नदी मिलान हो रही है। भागीरथी और अलकनंदा, जो कि ये भागीरथी है और ये वाली अलकनंदा। जय माँ गंगा मैया। ये एक गुफा है जिसमें श्री गंगेश्वर महादेव है, जो सीधा संगम घाट पे ही स्थित है, नीचे स्नान करने चलते हैं। ये कितनी सारी मछली है, ब्लैक ब्लैक मछली है सारी, है भाव काफ़ी ज़्यादा है, हमारी रुक नहीं पा रही है। ये देखिए सारी मछली है, ये देखिए भाई यार बहुत ठंडा पानी है, दीपों में पैर ऐसे सुनोगे बर्फ की तरह, क्योंकि मछली सारी आ रही है, तो पैर अंदर डालना तो मछली पैर का रही है। देखो भाई दोनों तरफ पानी काफी ठंडा ही है, बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। ये हमारे हमारे कैसा भैया, भैया पानी कैसा हर हर गंगे। Oh, yeah.
मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। आरती हो चुकी है, ये पंडित जी लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं। लोगों की काफी भीड़ होगी इस समय। तो गाइस करीब तकरीबन 7:30 बज चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप आओगे तो कभी भी आओगे तो 7 बजे करीब ब्रेकफास्ट टाइम है आरती होने का, तो आप आओ तो शाम को ही आना यहाँ पे। बाकी देखो रात को भी देखो यहाँ कितना अच्छा है, पानी बिल्कुल अलग ही दिख रहा है यहाँ पे दोनों नदियों का। तो भाई काफ़ी वीडियो बना ली यहाँ पे, तो जी चलते वीडियो को यहाँ यहीं खत्म करते हैं। जिस किसी को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।